नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तौसी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तौसी पर संकट। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर तौसी के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कहानी को शुरू करते हैं। पाताल के सर्प देश का सम्राट इच्छाधारी सर्प तौसी भारी चिंता में था। बात क्या है नाथ, आप आजकल उदास क्यों रहते हैं? सर्प देश की महारानी अप्सरा 1000 साल की उम्र बीतने पर प्रत्येक इच्छाधारी सर्प को ऐसी ही चिंता होती है। मैं कुछ समझे नहीं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, जनता भी खुशहाल है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, सांप और मनुष्य का हमेशा वैर रहा है। मनुष्य सांप को देखते ही मार डालता है और सर्प अपनी जात को खतरा देखकर मनुष्य को डस लेता है। तो इससे क्या, यहाँ तो कोई मनुष्य रहता ही नहीं, सब सर्प हैं जो मानव रूप में रहते हैं। प्रायः तो सर्प अल्प आयु में ही केचुली उतारता है, परंतु इच्छाधारी 1000 साल बाद केचुली उतारता है और मेरा वो काल पूरा हो गया है। तब तो आपके शरीर पर नर्म त्वचा आ जाएगी और आप और भी सुंदर दिखने लगेंगे। तुम खुश हो रही हो, लेकिन मेरे सामने बड़ा प्रश्न ये है कि केचुली उतारू कहाँ? क्या मतलब, आप कहीं भी उतार सकते हैं। आम सर्पों की केचुली में भी कुछ विशेषताएं होती है, विशेष रूप से तंत्र क्रिया में या सांप को सिद्ध करने में काम आती है। तो अगर किसी ने मेरी कोई केचुली प्राप्त की तो वो तुम्हारे इस सम्राट को सिद्ध करने का मंत्र जान सकता है और मेरे लिए वो सबसे बड़े संकट का दिन होगा। और अगर किसी ने मुझे सिद्ध कर दिया तो घोर संकट। क्यों, केचुली को नष्ट नहीं किया जा सकता? इच्छाधारी की केचुली को नष्ट करने का एक ही तरीका है, अगर किसी मनुष्य को केचुली खिला दी जाए तो मनुष्य तत्काल मर जाएगा। उसके बाद उस मनुष्य का मांस किसी अघोरी या तांत्रिक के हाथ नहीं लगना चाहिए, उसे पक्षियों या जानवरों को खिलाना पड़ेगा। ये खतरा मैं झेल नहीं सकूंगा, क्योंकि शमशानों पर तो तांत्रिक किसी भी मुर्दे के जलते ही उसे सिद्ध करने पहुंच जाते हैं और अघोरी तो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। अगर उसका लेस मात्र भी मांस जलना रह गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मुझे सब कुछ अपनी निगरानी में करना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मनुष्य का शव चिता में जलकर राख हो जाए। आप शमशान में निगरानी कर सकते हैं। नहीं, उस सूरत में मैं तंत्र शक्तियों के घेरे में आ सकता हूं, वहां पर इस तरह का असर रहता है। तब आपने क्या सोचा, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा अपनी देख रेख में। मुझे कितना भी समय लग सकता है, तब तक मैं सर्प देश में अपनी जगह अपने किसी इच्छाधारी को तौसी के रूप में छोड़ जाऊंगा। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि केचुली उतारने के लिए सर्प का भेद किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए सिवाय उसके नागिन के। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें मालूम हो कि यहाँ मैं नहीं, मेरा उप शरीर शासन कर रहा है। तौसी के शरीर में पकड़ ध्वज, अदृश्य ध्वज, अष्ट ध्वज जैसे इच्छाधारी सर्पों का वास था, जो अपने आप में अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। अदृश्य ध्वज अदृश्य होता था, पकड़ ध्वज जिसको पकड़े वो ना छूटे। तौसी ने अपनी इन सभी शक्तियों को बाहर निकाला। तुम सब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, अष्ट ध्वज मेरा रूप धरकर यहाँ शासन करेगा और तुम सब उसकी आज्ञा का उसी तरह पालन करोगे जैसे मेरी आज्ञा का करते हो। जो आज्ञा, 1 माह के भीतर मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा, और अगर ना आया तो समझ देना कोई संकट आ गया है, मैं किसी विपत्ति में फंस गया हूँ। उस सूरत में तुम्हें क्या करना है ये अच्छी तरह समझ लो। चक्षुभेदी से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। उसमें तुम मुझे देखकर अपने विवेक से निर्णय लोगे। अगर सर्प देश पाताल या सृष्टि की समस्त सर्प जाति पर कोई घोर संकट आ जाए तो मुझे खत्म करके उसे टाला जा सके, तो बेहिचक मेरा वध कर दो।
सबसे विदा लेकर तौसी भूलोक रवाना हो गया। मुझे किसी ऐसे मनुष्य की तलाश करनी चाहिए जिसका मृत्यु योग हो। किसी मनुष्य की मृत्यु समीप होगी तो मैं उसकी पहचान कर लूंगा। तौसी सर्प बनकर एक जंगल में जा पहुंचा। जंगल में तौसी केचुली उतारने लगा। ये बोझ आज उतर गया। जंगल में एक शिकारी पहुंचा। कितने दिन से कोई शिकार ही नहीं मिला। तौसी ने उसे देखा। ओह, इस मनुष्य का मृत्यु योग है। तौसी साधु बनकर उसके पास प्रकट हुआ। अलख निरंजन बम बम भोले, महाराज आप कौन हैं? इस जंगल में खूंखार दरिंदे रहते हैं। मांग ले बच्चा, क्या मांगता है? मुझे एक शेर का शिकार करना है, मेरी यही तमन्ना है। मैं तेरे लिए शेर को बकरा बनाकर तेरे सामने पेश कर दूंगा, तू उसका शिकार कर देना बालक। किंतु सच महाराज? किंतु क्या महाराज? अगर तू किसी सर्प की केंचुली का भक्षण कर लेगा तो कोई भी जानवर जब तेरे सामने आए तो तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, तेरे वशीकरण में आ जाएगा। किंतु सर्प की केंचुली कहाँ मिलेगी? आ, मैं बताता हूँ। शिकारी तौसी के पीछे चल पड़ा। केंचुली में जहर तो नहीं होता महाराज? कौन कहता है, केंचुली तो बहुत स्वादिष्ट होती है। ये रही केंचुली। शिकारी केंचुली खा गया। बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। ओह, मेरा सिर चकरा रहा है महाराज, महाराज। शिकारी की मृत्यु हो गई। अब मुझे सौ को यहीं रखना होगा। तौसी ने सौ की निगरानी शुरू कर दी। जब तक पशु पक्षी इसे खा नहीं जाते, मुझे इसके करीब किसी को नहीं आने देना। जंगली जानवर चील कौवे सौ पर झपटे, ये सब बहुत जल्दी इसे चट कर जाएंगे। जंगल की एक गुफा में नर मांस मेरा प्रिय भोजन है, अघोरी का भोजन। अघोरी ने रात होते ही मंत्र फूका। बोल, चमक चम चम चमके, शेर बन के चमके। अघोरी शेर बन गया। अब मैं किसी भी जिंदा या मुर्दा इंसान की तलाश में निकलता हूँ। इस तरफ नर मांस की गंध आ रही है। ओह, शेर शेर बना अघोरी शिकारी के शव को घसीटने लगा। ये शव कहाँ ले जा रहा है? कई दिन का भोजन मिल गया। शेर ने मांस भक्षण करना शुरू किया। लगता है इसने अपने लिए कई दिन का राशन जुटा लिया है। भोजन से तृप्त होते ही बोल बोल, चमका चमचम चमके, बना दे आदमी। अघोरी इंसान बन गया। ओह, गजब हो गया, ये तो आदमी बन गया। सुबह हो गई। अब इसका बाकी मांस यहीं छिपा कर शहर चलता हूँ। अघोरी गुफा में मांस छिपाने लगा। मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। अब गुफा बंद करके अपने ठिकाने पर पहुँचता हूँ। इसे सांप बनकर डस लूँगा। फुस, अबे जा, मैं अघोरी हूँ, किसी भी सांप का जहर मुझ पर नहीं चढ़ता। चल भाग जा वरना तुझे सूप बनाकर पी जाऊँगा। ये तो अघोरी तांत्रिक है, इस पर दरिंदा बनकर हमला करता हूँ। तौसी टाइगर बन गया। आज तक तो किसी दरिंदे ने मुझ पर हमला नहीं किया। मेरी परछाई से भी खौफ खाकर भाग जाते हैं तेरी ये मजाल। ठपाक, जय अघोरी, फाड़ दे छप्पर काट देखकर। अघोरी ने टाइगर को हवा में उछाल दिया। चल जा आसमान की ओर, गिरेगा जमीन पर तो मरेगा नहीं, बचेगा तू। तूने अघोरी कपाला पर हमला किया है। जमीन पर गिरने से पहले तौसी पक्षी बनता है। फुर्र, अए कहाँ गया? गिरा क्यों नहीं? आसमान से ही गायब हो गया। लगता है कुछ गड़बड़ है। पहले सांप, फिर बाघ, कहीं किसी तांत्रिक का हमला तो नहीं? अघोरी की खोपड़ी बोलने लगी। बोल, चमका चमचम चमके, कौन है ये बता उसकी असलियत। इसका नाम है तौसी, पाताल सर्प देश से आया है, इच्छाधारी सर्प है। तौसी चमके, बता इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? लॉटरी लग गई तुम्हारी कपाला गुरु। क्या मतलब? तुमने इसकी केंचुली खाई, इसका काम तमाम हो गया। केंचुली खाई? कब खाई केंचुली?
जिस आदमी का तुमने मांस खाया वो इसकी कैंचुली खाकर मरा था। अब उसका मांस खाकर तुम संसार के सबसे बड़े तांत्रिक बन गए कपाला गुरु, मिठाई खिलाओ। चुप बे, बहुत मत चमक, सही हाल बता दे। पहले मिठाई, अबे खिलाऊंगा, जो कहेगा वो खिला दूंगा। जो इस इंसान का मांस खाए, जो केंचुली खाकर मरा हो, वो इसे सिद्ध करके अपना गुलाम बना सकता है। सुनकर आनंद आया। जानवर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे अपने असली रूप में आना होगा। तोसी अपने असली रूप में आया, सावधान तांत्रिक, यही इसका असली रूप है कपाला। तोसी इच्छाधारी, बेकार हाथ पा मार कर क्या करेगा, तो जल्द ही कपाला का गुलाम बन जाएगा। तोसी ने तीरों की बौछार की, सक सक। अघोरी ने अपने डंडे से ही तीरों को रोका, खट खट। तोसी ने तलवार चलाई, अघोरी डंडे से ही लड़ रहा था। हे महादेव, अपनी रक्षा के लिए अब मेरे पास एक ही अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की अनुमति दे दीजिए, वरना अपना यहाँ काम तमाम हो जाएगा। तोसी ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। अब ये इस अस्त्र की काट किसी तंत्र से नहीं कर पाएगा, ना ही दूसरा तंत्र कोई काम करेगा। कपाला छलावा बन जा, वरना मारा जाएगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। तोसी ने अस्त्र छोड़ा, सड़ाक। कपाला का दूसरा रूप सामने खड़ा था, कड़ाक। खत्म हो गया, अब मुझे इसका 100 भी चील कौओं को खिलाना होगा। फंस गया मेरे छलावा मंत्र में, इसे कहते हैं छलावा वशीकरण मंत्र। मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है। लकड़ी के तन को काटा है उसने। अघोरी खोपड़ी लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। चमके, अब तेरी मिठाई पक्की। अघोरी कपाला के वहाँ से जाने से उसका वशीकरण भी दूर हो गया। अरे ये तो लकड़ी का तन है, इसका मतलब अघोरी कपाला जिंदा है, ज़रूर वो शहर की तरफ गया होगा। तोसी भी शहर की तरफ चल पड़ा। मुझे उसके ठिकाने का तलाश करना चाहिए। शहर में तोसी एक देहाती के रूप में कपाला का पता पूछता फिर रहा था। क्यों भाई, तुम कपाला का पता बता सकते हो? कौन कपाला? तोसी को एक ठग मिल गया, इस देहाती को ठगना चाहिए। हेलो, मैंने तुमको क्या मांगता? मुझे कपाला तांत्रिक का पता चाहिए। ये तो मुश्किल प्रश्न है, अगर मैंने बता दिया तो कपाला तांत्रिक मुझे तबाह कर देगा। अगर तुम मेरी तबाही की कीमत दे सको तो बता दूंगा। क्या कीमत है? 1 लाख रुपया दे सकोगे? रुपया तो मेरे पास नहीं है, सोने की असरफियाँ हैं। सोने की असरफियाँ? कितनी दूँ जो 1 लाख के बराबर हो जाए? 100 गिन कर दे दो। तोसी ने 100 असरफिया दे दी। ये तो बहुत पुराने जमाने की असरफिया लगती हैं, अब पता बताओ। ठग ने तोसी को मन मन से पता बताया। तोसी उस पते पर पहुंचा। क्यों भाई, कपाला कहाँ मिलेगा? कौन कपाला? किसका कपाला? यहाँ कोई कपाला वपाला नहीं रहता। ठग ने तोसी को पूरी तरह कंगाल करने का फैसला किया। दोबारा पता पूछने के चक्कर में तो ठगा नहीं जाएगा। आइडिया, दोबारा पता पूछने के चक्कर में तो ठगा नहीं जाएगा। आइडिया। ठग एक डाकू सरदार के पास गया। आजा नटवे, कोई खास खबर लाया है क्या? एक तगड़ा मुर्गा है उस्ताद, मैंने जितना हवा करना था कर लिया। देखो ये असरफिया, तुझे कहाँ मिली? किसी गड्ढे हुए पुराने बादशाह के खजाने की लगती है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसके पास ज़रूर कोई खजाना है। अगर 50-50 में धंधा करो तो बताता हूँ। उसे पकड़कर उसका खजाना हड़पना तुम्हारा काम है। मंजूर है? पता बता। ये तो मुश्किल है, पता मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक आइडिया है। क्या वो मेरे मनचाहे स्थान पर पहुंच सकता है? बस कुछ प्रचार करना पड़ेगा। ठग ने तांत्रिक कपाला का प्रचार शुरू कर दिया। तोसी एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था। इतने दिन हो गए कपाला का पता ही नहीं, क्या कहीं वो दूसरे शहर में तो नहीं रहता? सुबह, आज अपना रूप बदलता हूँ। देहाती समझकर लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, मैं आज दूसरे ही रूप में निकलूंगा। तोसी आकर्षक गेटअप में आ गया। सड़क पर आते ही, हाय हैंडसम, हाय नहीं मैं मर जावा,
ये तो कोई फिल्म स्टार लगता है, मुझे तो लगता है कहीं का प्रिंस है। अजीब जमाना आ गया है, लड़कियां लड़कों को छेड़ने लगी। तभी बचाओ बचाओ, एक खूबसूरत युवती भाग रही थी, उसके पीछे गुंडे दौड़ रहे थे। कमाल है, लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई बचाने की कोशिश भी नहीं करता। बचाओ, गुंडे युवती की इज्जत लूटने लगे। अरे तुम सब देख रहे हो और तुम्हारे सामने ये मेरी इज्जत लूट रहे हैं। हे भोले शंकर, तू ही आ जा, मेरी लाज बचाओ। महादेव की लाज तो रखनी पड़ेगी। तौसी कूदा, टपाक तड़ाक भिसुम, पीछा करते गुंडों को बुरी तरह मार डालता तौसी। तभी एक आदमी ने शोर मचाया, कट कट कट, काटना है तो काट भी डालूंगा। तड़ाक, अरे ठहरो, क्या कर रहे हो? ये सब हमारे आर्टिस्ट हैं, तुम्हारे हैं तो तुम ही को। अरे इसे रोको भाई, ढिसुम, कोई माई का लाल आए तो सामने कीमा बना डालूंगा सबका। तभी एक हीरो टाइप का नौजवान आया, ए भाई तुम मेरा रोल क्यों कर रहे हो? ये काम मुझे करना था, तुम कहाँ से आ गया? अब तक क्या कर रहे थे? अगर उसकी इज्जत लूट जाती तो? अरे भाई, डायरेक्टर जब एक्शन कहता तब आता मैं। युवती भी पास आ गई, ये तो सचमुच सुपरमैन है। मार डाला रे, जबड़ा टूट गया, हड्डी में फ्रैक्चर। तुमने हमारे सब फाइटर्स को इस बुरी तरह से मारा है। नॉनसेंस, तुम मेरा कबाड़ा करने कहाँ से आ गए? तुम कौन हो? अरे मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, जानते हो कितने महंगे कलाकार हैं सब, तुम्हें मेरा खर्चा देना होगा। अब इनके हाथ पांव टूट गए तो शूटिंग कैसे करेंगे हम? अगर ये हीरो हीरोइन की शिफ्ट भी गई तो ओवर बजट कर दी तूने मेरी फिल्म। हाय हैंडसम, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा परिचय मर गए, ये तो फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जितना नुकसान तुमने किया है उस सब का हर्जाना तुमको देना पड़ेगा। हर्जाना हम दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है कि तुम्हें इस नौजवान को हीरो करना पड़ेगा। तौसी बेटा खिसक ले यहाँ से, वरना कुछ देर बाद ये हीरोइन शादी करने पर आमदा हो जाएगी। बन जा सांप और भाग बे। तौसी सांप बन गया, सांप सांप सांप। भगदड़ मच गई, कहाँ गया सुपरमैन? पकड़ो, भागने ना पाए, मेरा नुकसान कौन भरेगा? तौसी एक बिल में घुस गया। बिल में पहले से एक नागिन मौजूद थी। तू कौन सी जाति का सांप है? कौन सी जाति की तू है? आ मेरे हम जोली, आ खेले आंख मचोली, आ चुप, मैं आंख मिचौली करने नहीं आया, कपाला तांत्रिक की तलाश में भटक रहा हूँ। कपाला तांत्रिक का पता मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुझे मुझसे शादी करनी होगी। लगता है ये भी फ्रॉड नागिन है। अगर तूने मुझे कपाला तक पहुँचा दिया तो मैं तुझसे जरूर शादी कर लूँगा। वादा कर पक्का, वादा रहा पक्का। तो चल मेरे साथ, तू पढ़ा लिखा भी है या आवारा है? पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट समझ ले। तो देख ये सामने क्या लिखा है, दीवार पर एक पोस्टर लगा था, कपाला तांत्रिक का पता, अघोरी कपाला। अरे वाह, ये तो कपाला का पोस्टर है। अब शादी कर ले मुझसे, पहले इस पते पर पहुंचकर कपाला का खात्मा करूंगा, फिर शादी होगी। तो चल, नागिन तौसी के साथ चल पड़ी। इसके रहते तो अपने रूप भी नहीं बदल सकता, और कपाला का खात्मा करने के लिए अपना असली रूप तो धरना ही होगा। फिलहाल पक्षी बनकर उड़ जाता हूँ, वरना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तौसी पक्षी बनकर उड़ गया। अरे कहाँ गया धोखेबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तौसी उसी पते पर पहुंच गया, वहां डाकू का सरदार मौजूद था, अभी तक आया ही नहीं। आ गया उस्ताद, वो देखो सड़क पर वो रहा, दरवाजे पर, मुझे कपाला से मिलना है, आइए। अंदर पहुंचते ही बेटे अब तू हमारी कैद में फंस गया है, दिखा सोने की असरफियों का खजाना कहाँ रखा है तूने। कपाला कहाँ है? यहाँ कोई कपाला नहीं है बे, तुझे फंसाने के लिए जाल फेंका था। बता खजाने का पता, वरना मार डालेंगे। ये बात है, तड़ाक ढपाक ढुसुम, तू भी यही है? तौसी
तौसी पर बंदूकें तन गईं। खबरदार हिलना नहीं, फस। तौसी सर्प बन गया। नागिन भी इसी पते पर पहुंच गई थी, वो खिड़की से देख रही थी। अरे ये तो इच्छाधारी सर्प निकला। तौसी ने सबको डस कर खत्म कर डाला। कमीनो, तुमने मेरी काफी वक्त खराब किया है। नागिन अंदर आ गई। तू यहाँ भी आ गई, बता तू कौन है? भूलोक पर तो कोई इच्छाधारी ही नहीं। फुस। जान कर क्या करोगी, अपना रास्ता देख। मैं तुझे सचमुच कपाला तक पहुंचा सकती हूँ। विश्वास नहीं होता तो सुन, कपाला एक अघोरी तांत्रिक है। जानवर बनकर इंसानों का मांस भक्षण करता है और सांपों का सूप बनाकर पीता है। तूने मुझे ये पता क्यों बताया? मैंने समझा उसने पता बदल कर अपना प्रचार करवाया होगा। मुझे क्या पता कि यहाँ तेरे लिए डाकुओं ने जाल बिछाया है। मेरी मजबूरी समझ इच्छाधारी, मैं एक शापग्रस्त नारी हूँ जिसे सांप योनि में भटकना पड़ रहा है। मैं एक सहजादी हूँ, मेरा नाम नगीना है। 500 साल हो गए मुझे सांप बने हुए, और मेरी इस योनि से एक ही तरीके से मुक्ति हो सकती है। अगर कोई इच्छाधारी सर मुझसे शादी करेगा तो मैं फिर से इंसानी रूप में आ जाऊंगी। मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दे, फिर तू जो कहेगा मैं वो करूंगी। ये संभव नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है, सर्प जाति में तो कई कई शादियां हो जाती है। मैं तुमसे ये तो नहीं कह रहा हूं कि अपनी पत्नी छोड़ दे, लेकिन वो तुझे मार डालेगी। मैं उसके हाथों तो मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन इंसान बनकर मरूंगी तो सांप से मुक्ति मिल जाएगी। रहा कपाला का सवाल, तो उसे मेरे अलावा कोई खत्म भी नहीं कर सकता। क्या तू उसे जानती है? जब मैं शहजादी थी कपाला तभी भी अघोरी ही था। उसकी उम्र 1000ों साल की है। वो हमारे राज्य में एक बार बंदी बनाया गया था और उसे मैंने ही भगाया था क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगी थी। तभी से मुझे राजा ने श्राप देकर सर्प बना डाला। सर्प क्यों बनाया? क्योंकि कपाला सांपों से नफरत करता था और उनका सूप बनाकर पीता था। अगर मैं कपाला तक पहुंचने की कोशिश करती तो वो मुझे सूप बनाकर पी जाता। मैं छिपकर जीवन काटने लगी। जब मैं नगीना बनकर कपाला के पास पहुंची तो वो मुझे अपना लेगा और फिर मेरी मोहब्बत ही उसकी मौत का सामान बन जाएगी। अचानक तौसी को एहसास हुआ कि कोई उसे सिद्ध करने का मंत्र जप कर रहा है। ओह, उसने जप शुरू कर दिया है। कपाला तौसी को सिद्ध करने का मंत्र जपने लगा। तौसी सिद्ध, तौसी सिद्ध। ओह, अब क्या होगा? निश्चित रूप से कपाला सुरक्षा कवच में मंत्र जप कर रहा होगा। ठीक है नगीना, मैं तुझसे विवाह रचाऊंगा, तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अप्सरा चक्षुभेदी से देख रही थी। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं भूलोक पर पर्दे कर दूंगी। आगामी अंक में पढ़िए तौसी, नगीना और कपाला। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में। तौसी की ये नई और लेटेस्ट कॉमिक्स कैसी लगी, आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं तौसी पर संकट का छोटा सा एडवर्टाइजिंग। हजारों वर्षों बाद बदलते हैं इच्छाधारी सांप अपनी केंचुली। पाताल सम्राट तौसी ने भी 1000 वर्ष पूरे होने पर अपनी केंचुली बदली, मगर क्या हुआ जब उसकी ये केंचुली ही उसकी जान की आफत बन गई। पढ़िए जरूर तौसी पर संकट। तो आपने ये कॉमिक्स तो पढ़ लिया, अब अपना रिव्यू कमेंट में लिख करके ज़रूर देना कि आपको इस कॉमिक्स के बारे में क्या कहना है और ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसका आप प्राइस देख सकते हैं, इस कॉमिक्स का प्राइस जो है वो 150 रुपये की है और आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं www.rajcomics.net से। इसके अलावा और जगहों पे भी आपको ये मिल जाएगी या और भी ऑनलाइन सोर्सेस से आप इसे खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।